अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं कुछ भी अपने हाथ से यहाँ पर लिखूं, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा आई नीड टाइपिंग जॉब। अब ये कितने वर्ड्स हुए? आई नीड टाइपिंग जॉब, चार वर्ड्स हुए। एक लफ्ज के, एक वर्ड के आप लोगों को 6 रुपए मिल सकते हैं। क्या आप लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी तरह, या आप लोगों की टाइपिंग स्पीड भी अच्छी नहीं है? कौन कहता है कि अगर टाइपिंग स्पीड अच्छी ना हो, आप लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी ना हो, तो आप लोग अर्निंग नहीं कर सकते? मैं अगले 5 मिनट में इस बात को गलत साबित करके दिखाऊंगा। आप लोगों को कुछ ऐसा सिखाऊंगा कि आप लोग ये दोनों काम बहुत ही अच्छी तरह से कर लोगे। अगर आप लोगों की हैंड राइटिंग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, या वो लोग जो कि अनएजुकेटेड हैं और उनकी भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो अगले चंद मिनट में आप लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी होने लगी है, जैसा कि बैकग्राउंड में आपको दिखाई भी दे रहा है। अब ये जो इतना ज्यादा आप लोगों को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस काम में मुझे कितना टाइम लगा होगा, मुझे बताएं। ये लिखने में मुझे कितना टाइम लगा होगा? आप यकीन जाने कि ये सारा कुछ आप लोग सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। बस वीडियो में मेरे साथ रहेगा। आजकल के दौर में अगर स्टूडेंट को कोई भी काम मिले, फॉर एग्जाम्पल असाइनमेंट, होमवर्क या कोई भी ऐसा काम जिसमें उसको हाथ से लिखना पड़े, तो स्टूडेंट लेजी हो जाता है, उसका सर चकराने लगता है, नींद आ जाती है, और वो लोग ये काम आउटसोर्स करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है, और यहीं पर एक गैप क्रिएट होता है जिसको यूज करते हुए आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और नोटिफिकेशन लाजमी ऑन रखिएगा। अब इस वीडियो का सीक्वेंस सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको यह सिखाऊंगा कि आप लोगों की हैंड राइटिंग कैसे बेहतर हो सकती है, 1-2 मिनट के अंदर ही समझा दूंगा। नंबर 2, अगर आप लोगों को एक पेज लिखने का कहा जाए, देख के लिखने का कहा जाए, तो वो काम आप लोग 3-4 मिनट के अंदर कैसे करोगे, ये सिखाऊंगा। नंबर 3 पे आप लोग अर्निंग कैसे करोगे, और नंबर 4 पे आप लोग कैसे विड्रॉ लोगे। तो चलते हैं जनाब स्क्रीन पर और सीखते हैं कि हम लोगों ने ये सारा काम कैसे करना है। आप लोगों को जो टास्क मिलेगा वो 3 किस्म के फॉर्मेट्स में हो सकता है। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। नंबर 1, आप लोगों को वर्ड का एक डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है जिसे देखकर आप लोगों ने अपने हाथ से लिखना है, यानी कि हैंड राइटिंग आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी मिल सकते हैं जो कि इमेज होंगे, यानी कि पिक्चर्स होंगी, या फिर पीडीएफ डॉक्यूमेंट हो सकता है। अब इमेज और पीडीएफ को आप लोग कैसे वर्ड में कन्वर्ट करोगे वो भी मैं सिखाता हूं अभी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, राइट। अगर तो आप लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी है, आप लोगों को लिखने का शौक है, तो आप लोग डायरेक्टली इसको देखकर खुद लिख लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग कम वक्त में ज्यादा काम करना चाहते हो या हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो पहले मैं वो सिखा देता हूं। अब मिसाल के तौर पर ये एक असाइनमेंट है जो कि 2nd ईयर के स्टूडेंट की है, और इसके आगे मार्क्स भी लिखे हुए। अब मैं आप लोगों को 3 ऐसी AI की वेबसाइट्स बताऊंगा जहां पर आप लोग फ्री में इसको हैंड राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जो आपने लिखना है हाथ से, आपने उसको यहां से कॉपी कर लेना है, और आप लोगों ने एक वेबसाइट पर आना है जिसका नाम है editpad.org, और यहां पर इस बॉक्स के अंदर जो लेफ्ट पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये देखें जनाब, आप लोगों का काम तैयार है। बहुत ही जबरदस्त किस्म की हैंड राइटिंग के साथ ये असाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि आपका टास्क कंप्लीट हो गया है। अब अगर आप लोगों को ये हैंड राइटिंग अच्छी नहीं लगती, तो यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है सेलेक्ट हैंड राइटिंग की, तो यहाँ पर 8 किस्म की हैंड राइटिंग अवेलेबल हैं। आपको जो भी अच्छी लगे आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह सेलेक्ट पेज के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये देखें जनाब, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने किसी व्हाइट पेज पर अपने हाथ से ही लिखा है। इसके अलावा अगर आप लोग कलर को भी चेंज करना चाहें, तो यहां से आप लोग इस कलर को भी चेंज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। और अगर आप लोग हेडिंग के साइज को चेंज करना चाहो तो क्या करोगे, यहां पर ऑप्शन अवेलेबल है, ये देखें कि इसका साइज बढ़ रहा है। और इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करने के लिए आप लोगों ने इस ऑप्शन को चूज करना है। अब ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली डाउनलोड PNG के बटन को क्लिक करना है, और ये देखें चंद सेकेंड के अंदर आप लोगों का काम कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को एक और वेबसाइट भी दिखा देता हूं जनाब, इस वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहां पर भी सेम आपने वही काम करना है, यहां से आपने टेक्स्ट को कॉपी करना है और यहां पर आके इसको इनपुट के अंदर पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करते साथ ही ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो चुका है। यहां पर चंद एक फॉन्ट्स और भी अवेलेबल है, इनको भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। फॉन्ट को चेंज करना है, कलर को चेंज करना है, ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा इफेक्ट्स और रेजोल्यूशंस को भी आप लोग यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप लोग यहाँ पर लाइंस को ऐड करना चाहो तो इस बटन को ऑन कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मार्जिन्स को खत्म करना चाहो तो इसके लिए भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसकी आउटपुट अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चार पेजेस यहाँ पर लिखे जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वन बाय वन डाउनलोड करना है तो हर पेज के नीचे डाउनलोड इमेज की ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन अगर आप लोग इन तमाम पेजेस को एक ही दफा में डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड ऑल इमेजेस एज पीडीएफ की ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है। इसको क्लिक करने के बाद 10 सेकेंड के अंदर ही आप लोगों को डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई। अभी मैंने आप लोगों को इमेज और पीडीएफ भी सिखाना है कि वहां से आप लोग इस डॉक्यूमेंट को कैसे जनरेट कर सकते हो। अभी तो मैं वर्ड पे सिखा रहा हूं। अच्छा, एक और प्लेटफॉर्म भी पहले देख लें, ये भी बहुत ही मजे का प्लेटफॉर्म है, 10015.io। स्क्रीन पर आपको इसका नाम दिखाई दे रहा है। इस वेबसाइट पर भी आप लोग सेम वही काम कीजिएगा, टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट कर दीजिएगा। थोड़ी बहुत यहाँ पर आप लोगों ने सेटिंग जरूर करनी है, ये जो गैप्स हैं इनको आप लोग खत्म कर दीजिएगा। कलर को चेंज करना चाहें तो बहुत से कलर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसकी आउटपुट आप लोगों को यहाँ पर साथ साथ दिखाई भी देगी, और यहाँ से आप लोग मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट्स को भी चेक कर सकते हो। ठीक हो गया। इसी तरह पेपर टाइप को आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसको आप लोगों ने खुद चेक करना है, आप लोगों को इजिली समझ आ जाएगी। और इस डॉक्यूमेंट को आप लोगों ने एक्सपोर्ट कैसे करना है, नीचे ये बटन अवेलेबल है। सिंपली इसको क्लिक करने के बाद आप को डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आप में से जितने स्टूडेंट्स हैं, एक तो आप लोगों ने कमेंट करना है ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। नंबर टू, आप लोगों ने ये काम अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं करना, ठीक है ना। टीचर्स अगर आप लोगों को असाइनमेंट देते हैं हैंडराइटिंग की तो आप लोगों ने खुद लिखनी है। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग के लिए सिखा रहा हूं, आप लोगों का टाइम कैसे सेव हो सकता है इसके लिए सिखा रहा हूं। अब अगर आप लोगों को एक इमेज दी जाए, एक पिक्चर दी जाए जिसको देखकर आप लोगों ने लिखना है, तो आप लोगों ने उस इमेज से कैसे कॉपी पेस्ट करना है वो भी सिखा देता हूं। ये देखें, ये एक इमेज है जहां से मैं इस टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर सकता। ये देखें, आपको दिखाई दे रहा है ना। अब इस इमेज को आप लोग कैसे कन्वर्ट करोगे, आप लोगों ने एक और वेबसाइट पर आना है जिसका नाम है duplicheckr.com। और यहां पर अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे आए तो अपलोड की एक ऑप्शन अवेलेबल है। इसको क्लिक करने के बाद जनाब यहां पर आप लोग देख लें कि ये जेपीजी फाइल है, दिखाई दे रहा है ना। इसको यहां से आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, और थोड़ा सा नीचे आने पर जनाब आई एम नॉट अ रिपोर्ट को चेक कर दीजिएगा और कन्वर्ट के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों के पास एक डाउनलोड का बटन अवेलेबल हो जाएगा, आपने इसको क्लिक करना है। और ये देखें जनाब, वर्ड में आप लोगों का डॉक्यूमेंट आप लोगों के सामने आ चुका है। यहां पर आप लोगों ने इस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट जरूर करना है, ठीक है ना। जैसे देखें मार्केटिंग एंड, अब ये एंड नीचे गया हुआ है, इसको यहां पर लाके मैंने सेट कर दिया। इसी तरह इस पूरे डॉक्यूमेंट को पहले फॉर्मेट करना है, उसके बाद अगर आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है तो आप लोगों को मैंने तीन वेबसाइट्स का बताया, इस पर जाकर आप लोग सेम ये काम कर सकते हैं। इसी काम को आप लोग इस वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो। अच्छा, अगर डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ में दिया जाए तब आप क्या करोगे, आप लोगों ने आ जाना है जनाब ilovepdf.com पर। यहां से आप लोगों ने पीडीएफ डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है सिंपली, जैसा कि चले मैं कर भी देता हूं। और यहां पर कन्वर्ट टू वर्ड का बटन अवेलेबल है, इसको क्लिक करने के बाद आप लोगों को वही डॉक्यूमेंट वर्ड में मिल जाएगा। एक पॉसिबिलिटी और भी बता देता हूं, देखें आप लोगों ने जो काम करना है उसकी पेमेंट आपको पर वर्ड होगी। अब ये कितने वर्ड्स हैं ये आप कैसे चेक करोगे, अगर तो आप लोग वर्ड को यूज कर रहे हो तो आप लोग जानते हैं कि वहां पर आप लोगों को काउंटर मिल जाता है, लेकिन अगर आप लोग नोटपैड पर ये काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तमाम टेक्स्ट को कॉपी करना है, और एक वेबसाइट है जिसका नाम है wordcounter.net, इस पर आप लोगों ने उस डॉक्यूमेंट को पेस्ट कर देना है। और ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि ये काम हम लोगों ने 183 वर्ड्स के लिए किया। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि आप लोगों ने यहां से अर्निंग कैसे करनी है। अर्निंग के मैं आप लोगों को तीन तरीके बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही गौर से सुनना है। नंबर वन, अगर आप लोग olx.com पर जाएं और यहां पर सर्च में आप लोग लिखें हैंड राइटिंग, तो यहां पर हैंड राइटिंग का बहुत सा काम अवेलेबल है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा कि यहां पर ज्यादातर लोग स्कैम भी कर जाते हैं। आप लोगों ने कभी भी किसी का काम ऐसे नहीं करना कि आप लोग काम को सबमिट करवा लें, अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करवा दें और पेमेंट वो आपको बाद में दे। आप लोगों ने एडवांस में पेमेंट लेनी है, उसके बाद काम करना है और काम उसके हवाले करना है, या फिर आप लोग 50% एडवांस लेने के बाद ही काम शुरू कीजिएगा, ठीक है ना। हर बंदा बुरा नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा इस वेबसाइट पर एहतियात से चलना है। नंबर टू पर अगर आप लोग अपवर्क पर जाएं तो यहां पर भी बहुत सा काम अवेलेबल है। जैसे ये देखिए हैंड राइटिंग की जॉब है और यहां पर और पेमेंट हो रही है,
यानी कि $18 पर और की यहाँ पर पेमेंट ली जा रही है। इसी तरह बहुत सा काम यहाँ पर अवेलेबल है। अब थर्ड पर अगर मैं आप लोगों को फाइवर पर लेके जा रहा हूं तो इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर सिर्फ 154 गिग्स अवेलेबल हैं, यानी कि इस गिग पर काम करने के बाद आप लोग लेवल 2 पर भी आ सकते हैं और यहाँ पर कितनी पेमेंट्स ली जा रही है वो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों ने फाइवर का अकाउंट कैसे बनाना है और एक प्रोफेशनल गिग कैसे बनानी है। इसके लिए अगर आप लोग YouTube पर जाएं और सर्च करें फाइवर अंजुम इकबाल तो आप लोगों के पास टॉप पर ये दो वीडियोस आ जाएंगी। इसमें जो नीचे वाली वीडियो है इसमें मैंने ये सिखाया कि आप लोगों ने फाइवर का अकाउंट कैसे बनाना है, और ये जो टॉप पर वीडियो अवेलेबल है इसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ ये बात समझाई हुई है कि आप लोग फाइवर की गिग कैसे बना सकते हैं और आप लोगों को कैसे ऑर्डर्स मिलेंगे। इन वीडियोस को देखने के बाद आप लोग फाइवर पर भी अर्निंग कर सकोगे। अगली वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। जितने भी लोग नए हैं चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।